वीडियो दिखाते हैं, वैसे आप सबने देखा हुआ ही है। आपने चुनाव कहा कि जब से राहुल गांधी ने कांग्रेस की कमान संभाली है तो राजनीति का स्तर नीचे गिरता गया है। उनकी जो सीट थी राहुल गांधी की अमेठी, जहां से वो चुनाव लड़ते थे, और उनकी मां जहां से रायबरेली से चुनाव लड़ती थी, दोनों जगह से अभी तक उन्होंने कैंडिडेट भी नहीं दिए। और अब ये कहा जा रहा है, सूचना आ रही है कि दोनों लोग अब चुनाव भी नहीं लड़ेंगे, दोनों सीटों में ना राहुल लड़ेंगे ना प्रियंका। इसे आप किस रूप में देखते हैं? देखिए, मुझे मालूम नहीं है मीडिया आज सुबह से दिखा रहा है वो सच है या नहीं, लड़ेंगे या नहीं लड़ेंगे वो भी मुझे मालूम नहीं है। मगर मेरा मानना है कि इतना कंफ्यूजन रखना ही उनको आत्मविश्वास नहीं है वो दिखाता है। उत्तर प्रदेश में जिस प्रकार की आज स्थिति बनी है, वो अपनी परंपरागत सीटें छोड़कर भागे हैं। मैं नहीं मानता वो लड़ने की हिम्मत कर पाए। मैं यहाँ अभी रहने दो, भारतीय जनता पार्टी की सरकार तो एक गैर संविधान जी। अमित जी, कांग्रेस ने कहा है कि वो मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड को रिस्टोर करेगी अपने मैनिफेस्टो में। देखिए, कांग्रेस पार्टी शुरुआत से एपीसमेंट की पॉलिटिक्स कर अपना बचा खुचा जनाधार संभालना चाहती है, बचाना चाहती है, समेटना चाहती है। पर्सनल लॉ हमारी संविधान सभा ने देश के विधानमंडलों और देश की संसद को आदेश किया था कि जब भी अनुकूलता खड़ी हो इस देश में यूसीसी यूनिफॉर्म सिविल कोड लाया जाए। संविधान सभा में ज्यादातर सदस्य कांग्रेस के ही थे, वही यह निर्णय हुआ था। क्योंकि किसी भी पंथ निरपेक्ष देश के लिए धर्म के आधार पर कानून ठीक नहीं है। फिर भी आज ये जानते हुए भी संविधान के स्पिरिट से बिल्कुल उल्टा कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में पर्सनल लॉ को लाने की बात करी है। भारतीय जनता पार्टी इसकी निंदा करती है। हमने हमारे घोषणा पत्र में कहा है कि हमें प्रयास करेंगे कि पूरे देश भर में यूसीसी लागू किया जाए और हर धर्म के नागरिकों के लिए इस देश में एक ही कानून हो। नारा लगा रहे हैं, उसमें लक्ष्य रखे हैं, उसमें कर्नाटक की बात भी आपने कही है। कर्नाटक में आपके सहयोगी जेडीएस के एक नेता रेवन्ना के कई आपत्तिजनक वीडियो का दावा कांग्रेस कर रही है और उसको लेकर आप लोग पर भी आरोप लगा रही है कि उनका बचाव कर रहे हैं। देखिए, श्री रेवन्ना का जो समाचार पत्रों में और चैनलों में चल रहा है वो बिल्कुल आघातजनक है। ऐसा सहन किया ही नहीं जा सकता। और भारतीय जनता पार्टी का स्टैंड बहुत स्पष्ट है, हम देश की मातृशक्ति के साथ खड़े हैं, देश की नारी शक्ति के साथ खड़े हैं। नरेंद्र मोदी जी का पूरे देश को एक कमिटमेंट है कि कहीं पर भी मातृशक्ति के अपमान को सहन नहीं किया जाना। परंतु कांग्रेस पार्टी जो हम पर आरोप लगाना चाहती है, मैं छोटी सी बात पूछना चाहता हूं, वहां सरकार किसकी है? सरकार कांग्रेस पार्टी की है। फेक वीडियो आपके ध्यान में ही होंगे क्योंकि टाइम पर रिलीज किए गए हैं। और अब तक कार्यवाही कांग्रेस पार्टी ने क्यों नहीं की? कार्यवाही हमने नहीं करनी है, ये लॉ एंड ऑर्डर का इश्यू, स्टेट का इश्यू है। प्रियंका जी हमसे सवाल पूछ रही है, मैं प्रियंका जी को कहना चाहता हूं, नरेंद्र मोदी जी और मुझसे सवाल पूछने की जगह आपके मुख्यमंत्री उपमुख्यमंत्री को सवाल करिए कि आपकी सरकार क्या कर रही है, क्यों जांच नहीं हो रही है। हम जांच के पक्ष में हैं और हमारे साथी दल जेडीएस ने भी उन पर कदम उठाने की घोषणा की है।
आज शायद उनकी कोर कमेटी की मीटिंग है और कदम उठाए भी जाएंगे। इस प्रकार की घटनाओं को सार्वजनिक जीवन में, समाज में या निजी तौर पर कहीं पर कोई स्थान नहीं होना चाहिए। कठोर से कठोर कदम उठाने चाहिए। ये भारतीय जनता पार्टी का स्टैंड अपर है और उसमें कोई कंफ्यूजन भारतीय जनता पार्टी में किसी स्तर पर नहीं है। हम महिला शक्ति के अपमान का, मातृशक्ति के अपमान का घोर निंदा करते हैं। गृहमंत्री जी, एक जो सिविल कांग्रेस मैनिफेस्टो में एक बात उठाई गई है कि जो सिविल कॉन्ट्रैक्ट्स है उसमें भी मुस्लिमों को के लिए स्थान दिया जाएगा, प्रायोरिटी दी जाएगी, इसको लेकर क्या कहेंगे? देखिए, मुझे लगता है कि कांग्रेस पार्टी जीतने के डेस्परेशन के अंदर सामान्य विवेक भी खो चुकी है। जो कॉन्ट्रैक्ट वो तो कौन फर्स्ट लोएस्ट है, सेकंड लोएस्ट है, इसके आधार पर तय करना चाहिए। किसका काम करने का अनुभव है नहीं है, इसके आधार पर तय करना चाहिए। पास्ट में कैसा काम किया है, इसके आधार पर तय करना चाहिए। अब कॉन्ट्रैक्ट में भी अगर एक धर्म को दाखिल करना चाहते हैं तो मैं कांग्रेस पार्टी को पूछना चाहता हूं कि कांग्रेस के अध्यक्ष के